मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि अगर उनके पास अश्लील सीडी है तो वे उसे सार्वजनिक करें। मिश्रा ने कहा, खरीदने बेचने की बात प्रियंका गांधी भूली नहीं है। पहले उनकी पेंटिंग 2-2 करोड़ में बिक जाती थी, रोबोट वाड्रा जमीन खरीद लेते थे। अब यह मोदी जी के आने के बाद सब हो नहीं पा रहा, जिससे वे परेशान है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने धर्मांतरण मामले में कहा कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अवैध तरीके से धर्मांतरण ना हो इस पर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि इसी को देवा स्वप्न बोलते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी के बयान पर मिश्रा का कहना है कि खरीदने बेचने की बात प्रियंका गांधी भूली नहीं है। पहले उनकी पेंटिंग 2-2 करोड़ में बिक जाती थी, रोबोट वाड्रा जमीन खरीद लेते थे। अब यह मोदी जी के आने के बाद हो नहीं पा रहा है, जिससे वे परेशान है। सुप्रीम कोर्ट में विषय विचाराधीन है, राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण न हो इसके लिए कटिबद्ध है। हम अपने पक्ष को मजबूती के साथ में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। संभवतया 7 तारीख को सुनवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी। अभी ज्यादा बोलना, चूंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए ठीक नहीं। इसी को देवा स्वप्न कहते हैं, और ऐसे स्वप्नों में अगर वो विचरण करती है कांग्रेस, तो हमें क्या दिक्कत है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 10 सालों में दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना, और आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक लोग नहीं आए। ये खरीदने बेचने की बात प्रियंका जी भूली नहीं है। क्या है कि मोदी जी के आने के पहले उनकी पेंटिंग 2-2 करोड़ में बिक जाती थी, उसके बाद बेचना बंद हो गई। मोदी जी के आने के पहले वाड्रा जी करोड़ों की जमीन खरीदते थे, उसके बाद उनकी खरीद बंद हो गई। मोदी जी के आने के पहले चिदंबरम जी के गमलों में, उनकी बालकनी में करोड़ों के गोभी लग जाते थे, वो गोभी लगना बंद हो गए। ये दिक्कत तो है प्रियंका जी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे क्यों हैं, और उन्हें ऐसी सीडी देखना भी नहीं चाहिए। भजन करने की उम्र में भी गजल गाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उनके पास सीडी है तो सबको दिखाना चाहिए और उनको सार्वजनिक भी करना चाहिए। गोविंद सिंह जी मेरे मित्र हैं, इस उम्र में ऐसी सीडी रखे काहे क्यों, और देखना भी नहीं चाहिए। भजन की उम्र में गजल की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप पे रखी है तो रखे रखे खराब हो जाएगी, दिखा दो, सबको दे दो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपको कह ही चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, तो आप इसको रखो मत ही, सार्वजनिक कर दो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।